नमस्कार दोस्तों, वेटरन्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी एसएससी जीडी की तरफ से है। एसएससी जीडी का फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 27 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें आपने देखा कि नियर बाई 24,000 से ऊपर जो टोटल पोस्ट निकाली गई है। अब बहुत ज़्यादा नंबर नहीं कह सकते, आशा कर रहे थे कि शायद 35-40 हज़ार तक के बीच में पोस्ट आएगी, फिर भी 24,000 से नियर बाई जो पोस्ट है, एक रिस्पेक्टेड जो नंबर है। तो इसमें भी हम आशा कर सकते हैं कि अपना, अगर आप चाह रहे हैं कि हम एसएससी जीडी के लिए जाना चाहते हैं, तो एक अच्छा नंबर है, यहाँ पे आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों आज की नोटिफिकेशन में क्या क्या खास रहेगा, जो ये नोटिफिकेशन है इसमें इस बार उन्होंने कोई सिलेबस में चेंज तो नहीं किया है या फिर कोई एज का क्राइटेरिया में कोई बदलाव किए गए हैं, आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पे बात करने के लिए आया हूँ कि कोई भी छोटे बड़े बदलाव हैं या जितने भी आपके डाउट होंगे, वो मैं आशा करूंगा कि आपके सारे के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करूँ। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सामने आपकी नोटिफिकेशन है, आपने पढ़ी भी होगी, पर थोड़ा नहीं पढ़ी तो उनके लिए और जरूरी है देखना कि यहाँ पे क्या क्या मुख्य चीजें हैं देखने के लिए। देखिए नोटिफिकेशन जो है एसएससी जीडी की तरफ से आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपके लिए। देखिए सामने है कि एसएससी जो जीडी है, आप 27 तारीख से 27 अक्टूबर से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं और इसकी अंतिम तारीख जो है ये देखिए 30 नवंबर, मतलब तकरीबन 1 मंथ का टाइम आपके पास कंप्लीट है पूरा का पूरा कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और हर एक नोटिफिकेशन की तरह यहां पर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एक्चुअल में चाहते हैं कि ये जॉब मेरी है या इसके लिए मुझे अच्छी तैयारी करनी है या इसी के लिए मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा हूं, तो दोस्तों आपको शुरुआती समय में ही ये फॉर्म फिल कर देने चाहिए, ठीक है। देखिए लास्ट डेट एंड टाइम पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का इन्होंने बता दिया है, लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन जो पेमेंट के लिए इन्होंने कहा है कि 1 दिसंबर तक लास्ट डेट फीस भरने की है, चालान पेश करने की है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब आपका ये एग्जाम ऑनलाइन बेसिस पे होगा और ये जैन तक आपका एग्जाम हो जाएगा। अगले साल स्टार्टिंग में आपको 2023 में ये एग्जाम फाइनली देखने को ऑनलाइन बेसिस पे मिल जाएगा। मतलब आप तकरीबन लेके चले कि कम से कम आपके पास 2 महीने है कि आप अपने इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सके। और दोस्तों अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे तो 2 महीने में तैयारी करना को बहुत मुश्किल नहीं है, और जो मेरे दोस्त पहले से ही थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि वो अपनी तैयारी को और अच्छे से कंटिन्यू करें, ठीक है जी। चलिए आगे नोटिफिकेशन क्या कहती है दोस्तों, कि देखिए अगर हम जीडी की बात करें, आपके मन में हो तो देखो दोस्तों, ये सेंट्रल जो आर्म फोर्सेस होती हैं, ठीक है, उनमें आप देख पाएंगे कि बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, असम राइफल है, जनरल ड्यूटी। तो यहाँ पे आपको ये पोस्ट जो है या जो आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। तो इन जो आप डिपार्टमेंट कह सकते हैं यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें कि मैंने कहा आपको कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड होंगे, ठीक है जी, फिर मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन की जाएगी, राइट। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। जैसे हमने कहा 24,000 के नियर बाई पोस्ट है, तो दोस्तों 24,369 टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे ध्यान दें, मेल एंड फीमेल दोनों ही, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए यहाँ पे प्रॉपर चांस देखने को मिल रहा है। देखिए मेल के लिए यहाँ पे बीएसएफ की तरफ से टोटल 8,922 पोस्टें हैं, सीआईएसएफ के लिए 90 हैं, सीआरपीएफ के लिए 8,380 पोस्टें हैं, एसएसबी के लिए 1,041 है, आईटीबीपी के लिए 1,371 है, असम राइफल के लिए 1,697 है, एसएसएफ के लिए 7, टोटल 21,579, मतलब 21579 जो टोटल पोस्ट आप देख पा रहे हैं मेल्स के लिए। और फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहां पे आप टोटल यहां पे देख पा रहे हैं कि फीमेल के लिए टोटल पोस्ट 2,626 पोस्टें यहां पे इस तरह से डिवाइड की गई हैं। यहां पे आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यू या अदर जो जो अनरिजर्व पोस्टें जो पोस्टें हैं, तो यहां पे डिवाइड करके आप छांट सकते हैं कितनी कितनी पोस्ट कहां डिवाइड की है। तो टोटल की पोस्ट अगर हम बात करें तो 24,369 टोटल पोस्ट यहां पे आपको देखने को मिल रही है, ठीक है जी।
अब जहां जहां आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस को दे सकते हैं, ठीक है जी। और इस नोटिफिकेशन में क्या है जो हम बात यहां पे मेन बात कर रहे थे एज रिलैक्सेशन का, जिनको लग रहा था कि किसी कारणवश बहुत टाइम से पोस्ट नहीं निकली या कोई अदर जगह पे आप ट्राई कर रहे थे कि भाई मुझे एक वर्दी वाली पोस्ट का बहुत बड़ा शौक है बट नहीं पॉसिबिलिटी हो पा रही थी, एज मेरी थोड़ी आगे निकल चुकी है, तो दोस्तों इस बार आपके लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। और चांस क्या है कि यहां पे देखिए ये है एज लिमिट आपकी 18 से 23, ठीक है जी। 1 जनवरी 2023 तक आपकी जो एज उन्होंने कहा कि 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। बट यहां पे दोस्तों एक और चीज देखिए, इन्होंने ये भी कहा है कि 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, जो कोविड के दरमियान जो पेंडेमिक था उसका आपको यहां पे एक रिलैक्सेशन देखने को मिलता है कि 3 साल के आपको एज रिलैक्सेशन सभी के लिए ही यहां पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि 1/1/2023, ठीक है, 23+3 और कर लीजिए तो आपके लिए 26 साल तक का एज रिलैक्सेशन आपको यहां को देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी न्यूज है और सबसे खुशखबरी आप सभी के लिए कि इस जो इस एज सेक्टर जो फैक्टर वाले लोग यहां पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स जो चलते हैं नॉर्मली वही यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विस मैन के लिए 3 ईयर आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज जो है उसके मिल जाएगा, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 के जो दंगे थे वहां पे या फिर जो गुजरात में जो हुआ था, ठीक है, कॉम्युनल राइट्स, उसके 5 साल का रिलैक्सेशन वहां पे मिल रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो एज रिलैक्सेशन इसी तरह से हर जगह दिया गया है, ठीक है। 8 साल का रिलैक्सेशन यहां पे भी दिया गया, ये अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी वालों को 8 साल के लिए मिलेगा और एससी एसटी वालों के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमें और जो मुख्य जो आपके लिए यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी एजुकेशन की भी बात करेंगे भाई, एजुकेशन में क्या होगा। और शायद अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं दोस्तों, जो क्वालिफिकेशन जो मांगते हैं यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि 1/1/2023 मतलब 1 जनवरी 2023 तक आप 10th आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, कि ये अगर आपकी 10th क्लियर है और आपकी आयु 18 साल से ऊपर 26 से नीचे तो भाई आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोई भी 10th। तो इसलिए बहुत बड़ा मौका है जो फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए, कोई आर्मी से चूक हो गई है, आपको लगता है कि वहां नहीं बात बन पाई थी, मुझे वर्दी वाली जॉब के लिए जाना है और आपने 10th क्लियर किया, तो दोस्तों बहुत बड़ा चांस है आपके लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th है और मैक्सिमम तो आप जितनी मर्जी जाए ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो भी इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आगे क्वालिफिकेशन के बाद हम देखते हैं कि भाई हाँ, साथ में ये भी आपको बता दूं कि भाई जिसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है उसके लिए भी बोनस मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलती है। सीबीए जो कैटेगरी में आपके पास जो सर्टिफिकेट होता है उसके भी आपके यहाँ पे मार्क्स काउंट होते हैं, आप ये देख लीजिएगा, जब फॉर्म भरेंगे तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है जी। बाकी एग्जाम ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, एप्लीकेशन फीस भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ 100 रुपए की फीस है, ओनली 100 रुपीज आपकी यहाँ पे फीस देखने को मिल रही है। और यहाँ पे उन्होंने कहा भी वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट हु बिलोंग टू एससी एसटी जो है उनके लिए फ्री है और अदर जितने भी कैटेगरी है फिर जनरल कैटेगरी उसके लिए सिर्फ 100 रुपीज 100 रुपए की फीस होती है, अदर लड़कियों के लिए, अदर एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं होती, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई कि एग्जामिनेशन सेंटर आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो जहां आपको नियर बाई सेंटर सही लगता है आप मतलब अच्छे तरीके से पढ़ के देख के अपना सेंटर चूज कर सकते हैं, वहां पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है जी। अब मेन होगा दोस्तों आपका ये अपना सिलेबस, सारी बातें कंप्लीट हो गई, ये रहेगा ऐसा लास्ट डेट है, एज क्राइटेरिया है, बट लास्ट में सबसे पहली बात तो एग्जाम की होगी। अगर आप एग्जाम क्लियर करेंगे तो जाके नेक्स्ट जितना फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन तब रहेंगी, बट सबसे मेन है कि एग्जाम के लिए और जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में कि हाइट क्या होगी, क्योंकि उसी के बेस पे आप आगे जाएंगे, बट मेन आपका रहेगा सब क्राइटेरिया के बाद एग्जाम की बात होगी। अब एग्जाम में देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी,
क्या है जनरल रीजनिंग, इंटेलिजेंसिया रीजनिंग। देखो सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे ये इस बार देखने को मिला है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है और मैक्सिमम मार्क्स 40 है। तो इन्होंने मार्क्स बढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन वही है, मतलब एक क्वेश्चन दो नंबर का कर दिए, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। रीजनिंग है, जीके है, एलिमेंट्री मैथ है, टेंथ तक का मैथ है, इजी मैथ आएगा, एलिमेंट्री मैथ कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, और हिंदी और इंग्लिश है, दोनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है। ठीक है जी, तो इस तरह से चार सेक्शन है, तो 20-20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, टोटल जो आप देख पा रहे हैं मार्क्स की 40-40-40 के हिसाब से इन्होंने डिवाइड किए, 60 मिनट है, 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ये है आपका। इसलिए मैं कह रहा था दोस्तों कि बहुत मुश्किल नहीं होगा, और जो भाई बंधु पहले से ही प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि अपना रेगुलर प्रैक्टिस को जारी रखें और अपने टेस्ट एमसीक्यू साथ में अटेम्प्ट करते जाएं। और साथ में आपको लगता है कि हमें कोई हेल्प की नीड है, साथ में थोड़ा सा अगर हमें हेल्प मिल जाए उनके लिए भी, और जिनको लगता है कि हमें अभी शुरुआत करनी है और हम कर सकते हैं कि 2 महीने में कोई मैं कह रहा हूं कि पॉसिबल है कि 2 महीने में, ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखिए वेटरन्स एकेडमी आपके लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन या रिकॉर्डेड, इन तीनों ही मोड पे प्रेपरेशन कराता है, और बहुत अच्छे तरीके से। इस एग्जाम के लिए भी हमारे पास टोटल मटेरियल भी है, टोटल आपको इसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, ठीक है, और रेगुलर अपडेशन भी मिलेंगे और टेस्ट भी मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको लगता है इस एग्जाम के विषय में, इस एग्जाम के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए होगी, तो आप हमसे हमारे फोन नंबर 9041041024 पे बात कर सकते हैं, हमारी एकेडमी विजिट कर सकते हैं, या अगर वैसे भी आपको कोई सलाह लेनी है, जरूरी नहीं है कि आपको कोचिंग ही ज्वाइन कर, आपको किसी बुक्स के बारे में, किसी टेस्ट सीरीज के बारे में, या किसी अदर विषय में भी इस एग्जाम के रिलेटेड कोई बात करनी है, तो एनी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और साथ में ये जरूर कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि दोस्तों अगर आपको हमारे ये लेक्चर, ये हमारे ये नोटिफिकेशन, ये हमारे यूट्यूब के जरिए आपको बेनिफिट मिलता है, तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।